हेलो यस सर, गुड आफ्टरनून। और स्क्रीन यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है। कौन सा सेटिंग है? चलिए, हम लोग कहाँ तक डिस्कस किए थे? पूरा अलग ही दिख रहा। डिलीट कहाँ? वहां तक किया गया था तुम लोग को इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 तक, है ना? आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यस हाँ, आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मिनिमम मैक्सिमम सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम पर फोकस करना है अपने को। लैपटॉप तो बहुत कंफर्टेबल है। चलो ठीक है, देखते हैं। मिनिमा एंड मैक्सिमा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उनका स्टैंडर्ड मिनिमा और मैक्सिमा दोनों देखेंगे ना। देखो, सबसे पहला, अगर मैं साइन थीटा लिखता हूं, इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या क्या है? -1 -1 क्या बोले? माइनस माइनस वन और मैक्सिमम क्या हो गया? वन हो गया। अगर हम कॉस थीटा की बात करते हैं तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या होगा? वन -1 -1 माइनस वन। बहुत बढ़िया। अगर हम तीसरी बात करते हैं टेन थीटा की, ठीक है, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों अनडिफाइंड होता है। चौथी, अगर हम कॉट थीटा की बात करें, इसका भी मैक्सिमम मिनिमम दोनों अनडिफाइंड होता है। सेक थीटा, इसका मैक्सिमम मिनिमम अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड, वैसे ही कॉसेक थीटा का भी मिनिमम मैक्सिमम अनडिफाइंड होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड मिनिमम मैक्सिमम ये क्या है, इस तरह से
एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब हम लोग कई बार रेंज की बात करते हैं, कई बार हम लोग रेंज की बात करते हैं, स्टैंडर्ड रेंज की बात करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेंज, रेंज का मतलब ये होता है, रेंज का मतलब ये होता है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या है, -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। तो हम लोग लिखेंगे ये -1 से लेकर के 1 तक जाता, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में लिखा जाता। वैसे ही कॉस थीटा -1 से लेकर के 1 तक जाता है, इसको ब्रैकेट में लिखा जाता। तुम लोग को मैंने ब्रैकेट बताया था? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। और टेन थीटा तुम लोग को बताया हुआ ही है, कहां से कहां लाई करता है, नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ये भी आपका नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी। और सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये लोग थोड़े अलग है, नेगेटिव इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी। और ये भी आपका नेगेटिव इंफिनिटी से -1 और यूनियन इंफिनिटी। इतना रिजल्ट सबको याद है, राइट। थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें तो जगह ही नहीं बचा है। रवि इधर आइए ना, इसमें पेज स्क्रॉल कैसे होता है? ये एकदम साइड में दिया हुआ। एनीवे आइए, अब देखो, तो अगर इतना आप लोग को मैं बता चुका हूं तो इसके आगे चलते हैं। रेंज ऑफ टू साइन थीटा, टू साइन थीटा की रेंज क्या होगी? -2 to 2। ये सब बता चुका हूं है ना, मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या बताया तुमको, ठीक है। ये सब बेसिक तुम लोग कर चुके थे ना। अब एक और मैं पूछ लेता हूं, उससे मुझे पता चल जाएगा कि वहां तक तुम पहुंचे हो या नहीं पहुंचे। 1 -3 sin² θ की रेंज
नहीं श्रावणी, डाउट नहीं डिस्कस कर रहा हूं। आइए देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा जो है ये कहां से कहां लाई करता है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, जीरो होगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, वन होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जीरो, और मैक्सिमम वैल्यू वन हो जाएगा, है ना। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसके साथ माइनस थ्री लगा हुआ, सो निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स होता है। सो आप निगेटिव मल्टीप्लाई करें और इनइक्वालिटी रिवर्स करें, सो जीरो इंटू माइनस थ्री जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री। अब क्या करना हम लोग को, वन प्लस करना है, सो लिखेंगे वन प्लस जीरो वन, वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस थ्री, तो ये मिल गया आपको वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू। और अब इनइक्वालिटी को उल्टा कर दो, है ना, ये क्वांटिटी जो है आपका माइनस टू से बड़ा है, तो मैं थोड़ा उल्टा करके लिख रहा हूं, वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू, है ना, एंड लेस देन इक्वल टू वन। सो रेंज क्या हो गया, माइनस टू से लेकर के वन तक, है ना। फिर से देख लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं ना कि कोई भी चीजें हैं जो इनइक्वालिटी में हमको आइडिया लगी हुई रहती है, तो वहां से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा में, साइन स्क्वायर थीटा के बारे में हमने फैक्चुअल डेटा लिया है ना, फैक्चुअल कहो या फिर डिकोडेड डेटा कहो, है ना। साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू जीरो होगा चूंकि स्क्वायर फंक्शन, और मैक्सिमम वैल्यू वन होगा। हमने बोला कि माइनस थ्री मल्टीप्लाई किया, माइनस थ्री मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया। हम लोग लिखेंगे निगेटिव मल्टीप्लीकेशन विथ निगेटिव मल्टीप्लीकेशन विथ निगेटिव क्वांटिटी रिवर्सेस साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, हमने रिवर्स कर दिया। देखो पहले क्या था, लेस देन था ना दोनों जगह, अब क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। अब देखिए माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा मिल गया हमें, हमें वन चाहिए, तो वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा फिर कर दिया, दोनों साइड वन ऐड कर दिया, एडिशन ऑफ वन, एडिशन करने से इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं होता है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरा इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू में है, लेकिन मैं इसको लेस देन इक्वल टू में लिखना चाहता हूं। सो वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा जो है, ये क्वांटिटी देखो वन से छोटा है, वन इज ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी, इट मींस द क्वांटिटी वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा विल बी लेस देन वन, है ना। और ये एक्सप्रेशन मेरा माइनस टू से बड़ा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एक्सप्रेशन जो है ना, माइनस टू जो है इस एक्सप्रेशन से छोटा है, तो माइनस टू इस एक्सप्रेशन से छोटा है और ये एक्सप्रेशन आपका वन से छोटा है,
सो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या हो रहा, माइनस टू हो रहा, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू माइनस टू हो रहा और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, वन हो गया। इसी तरह से आपको सिंपल सिंपल एक्सप्रेशन का रेंज वगैरह फाइंड करना है। समझ में आई बात? ये क्लियर हुआ? सर एक बार फिर से बताओ। चैट पे लिखो, जिसको जिसको क्लियर नहीं हुआ हाथ खड़ा करो। हाँ ये तो बहुत सारे लोग हैं जिनको क्लियर नहीं हुआ। हाँ इसका मतलब हमको पूरा ब्रैकेट वगैरह सब सिखाया था तुम लोग को, कौन हमको बता दिया, सिखा दिया। डाउन योर हैंड्स, तुम लोग को ब्रैकेट सिखाया गया था, यस और नो? ब्रैकेट सर बताया था, वो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव ब्रैकेट। ठीक है, और मैक्सिमम मिनिमम नहीं बताया था ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम नहीं बताया था। तो ये जो तुम्हारा डेटा है ना, इस डेटा को मैं पहले डिराइव कर देता हूँ, है ना, तब तुम लोग को थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मैक्सिमम मिनिमम क्यों मैं ऐसा लेकर के चल रहा हूं, है ना। आइए देखिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम सर्कुलर डेफिनेशन सबको याद है, सर्किट वाला जो बताए थे। देखिए साइन थीटा का हम लोग करते हैं पहले, लेट्स स्टार्ट विथ साइन थीटा। इसमें क्या है, जैसे ये सर्कल है, जब मेरा थीटा का वैल्यू जीरो होता है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, जब थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री लेंगे साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती, जीरो। जीरो है ना, साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जीरो। जब साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो ये कितना बनता है, वन। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर वन बनता है। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर क्या बनता है, साइन 180 डिग्री कितना होता है, जीरो। जीरो जीरो। और थीटा अगर हम लोग 270 डिग्री लेते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो माइनस माइनस वन, है ना। और ये तुम लोग को बताया था कि यहां से जीरो से ये वन जा रहा है, इसका मतलब क्या इंक्रीजिंग है ना, तो हम लोग इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल भी दिखा सकते हैं। फर्स्ट इंटरवल देखो, जीरो से लेकर के
वन जा रहा है, इसका मतलब वैल्यू देखो जीरो से वन हो रहा, जैसे जैसे हम लोग थीटा बढ़ा रहे हैं वैल्यू जीरो से वन हो रहा है ना। तो यहाँ पर साइन थीटा इंक्रीजिंग है, और फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देखो वन से लेकर के जीरो जा रहा है, इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग देखते हैं जीरो से लेकर के माइनस वन जा रहा है, इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज है ना। और ये माइनस वन से जीरो जा रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है। साइन थीटा जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में डिक्रीज करता है। इंक्रीजेस इन फर्स्ट ऑलवेज आपको है ना एंटी क्लॉकवाइज मैनर में देखना है, एंगल शुड बी टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर। यहाँ नीचे से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मैनर में रोटेट करेंगे, ठीक है, तब हम बताएंगे ऐसा। डिक्रीजेज इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब सोचो ये जीरो से इंक्रीज किया, फिर ये डिक्रीज किया, तो वन मैक्सिमम हुआ ना, ये जीरो से वन बना, फिर वन से नीचे आने, ये तो मैक्सिमम हो गया, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम साइन एक्स साइन थीटा बराबर वन। अब यहां पर देखो वन से ये जीरो गया, जीरो से और नीचे गया लेकिन फिर ऊपर जाने लगा, तो ये क्या हो गया, मिनिमम हो गया ना। मिनिमम समझ में आया, माइनस वन अगर हम लोग इस तरह से देखे कि जीरो से ये बड़ा फिर घट गया, इसका मतलब ये मैक्सिमम हो गया, फिर तो वन कभी आया नहीं है। अब देखो ये जीरो पर आ गया और घट गया, मतलब मोर नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ा, इसका मतलब ये मिनिमम हो गया। तो इस तरह से साइन थीटा का मैक्सिमम मिनिमम जो है आपको क्लियर है, मैक्सिमम कहां पर होता है, पाई बाई टू पर होता है, मिनिमम कहां पर होता है, माइनस पाई बाई टू पर होता है। ये सारे डिटेल्स आपको याद रख। अब इसी तरह से हम लोग कॉस थीटा में काम करेंगे, हेलो चालू है, चल रहा है क्लास, उसमें लॉगिन आईडी आपने करेक्ट डाली है 37 वाले, तो फिर से आप लॉगिन करके देखो, मीटिंग वगैरह सब ओपन है, क्लास चल रहा है। देखो यहाँ पे थीटा क्या है, जीरो डिग्री, कॉस का वैल्यू क्या होता है जीरो पर, वन, वन, तो ये लिखेंगे वन। 90 पर कितना होता है, इंक्रीज, 180 पर क्या होता है, जीरो, 180 पर जीरो नहीं होता है, माइनस वन होता है, माइनस वन, ठीक है। और थीटा इक्वल टू 270 डिग्री पर ये आपका माइनस वन है ना, ये जीरो होता है। तो सबसे पहले ये सारी डिटेल्स आपको याद रखनी होगी, और ये सारे वैल्यूज आपको बताए भी गए, बताए गए हैं कि नहीं, यस है ना, तो याद रखना, ठीक है। अब देखो वन से हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखे तो ये क्या हो रहा है,
अगर वन से फर्स्ट क्वार्टर में देखे तो जीरो बन रहा है ना, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा, तो डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ ना, घट रहा, ठीक है। जीरो से माइनस वन डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ? जीरो स्टिल डिक्रीज है। माइनस वन से जीरो इंक्रीज हुआ और जीरो से वन इंक्रीज, हम लोग क्या बोलेंगे? इंक्रीजेज इन कौन कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड एंड फोर्थ, डिक्रीजेज इन किसमें डिक्रीज करेगा? डिक्रीज फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो डाउनवर्ड एरो का मतलब डिक्रीजिंग है, अपवर्ड एरो का मतलब इंक्रीजिंग है ना, एरो वाइज भी और वैल्यू वाइज भी हम दिखा रहे हैं, तो आप लोग इस पे फोकस थोड़ा करो, है ना। मैं वैल्यू को ग्रीन कलर में राउंड कर रहा हूं। सेकंड केस के लिए कलर कुछ अलग ले लेते हैं। बराबर, अब देखो कौन इंक्रीज कर रहा है कौन डिक्रीज कर रहा है ना। अब क्या आप डिसीजन ले सकते हो कि कॉस थीटा मैक्सिमम कब है? फर्स्ट एंड सेकंड वन होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू और जीरो डिग्री पर, है ना, और मिनिमम इसका क्या होगा वैल्यू? माइनस वन, माइनस वन, है ना। इतनी बात सबको समझ में आ गई ना, मिनिमम मैक्सिमम? अब देखो टेन में चलते हैं, टेन में चलेंगे, टेन में थोड़ा आपको ब्रेन भी लगाना पड़ सकता है। देखते हैं कितना ब्रेन लगाना है ना, हो सकता है कि हम लोग डिकोड कर ले टेन थीटा, थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री पर टेन का वैल्यू क्या है? जीरो है ना, थीटा इक्वल टू जीरो पर टेन की वैल्यू जीरो है। जीरो है, ठीक है। और थीटा इक्वल टू नाइंटी पर जीरो, नॉट डिफाइंड है ना, बहुत बढ़िया। और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर अगेन जीरो, है ना। और थीटा इक्वल टू 270 डिग्री पर अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। अच्छा इस अनडिफाइंड का मतलब क्या, वेरी लार्ज या वेरी स्मॉल? अनडिफाइंड, वी कांट। अब देखो क्या है यहाँ पे कि अगर हम थीटा इक्वल टू जीरो रखते हैं तो जीरो मिल रहा है, हम जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहे हैं, है ना, जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू टेन का बढ़ेगा या घटेगा, इसके बारे में क्या अनुमान है आप लोग को? आप इसके लिए क्या करो, साइन थीटा का जो वैल्यू है उसको देखो, साइन थीटा यहाँ पर क्या है, बढ़ रहा है ना। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा वाई कॉस थीटा। तो अगर हम न्यूमरेटर को बढ़ा दे और डिनोमिनेटर को घटा दे, अगर न्यूमरेटर को हम बढ़ा दे डिनोमिनेटर को घटा दे तो ये ओवरऑल बढ़ेगा ना,
और जब ये वन के करीब है, 0.99 टाइप का नंबर है, और यहाँ पर 0.00 टाइप का नंबर है, इस समय वैल्यू हमको क्या मिलेगा? वेरी वेरी लार्ज मिलेगा, है ना, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज वैल्यू मिलेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 90 डिग्री पर तो अनडिफाइंड है, लेकिन 90 से जस्ट पहले हम लोग इसको इंफिनिटी दिखाते हैं ना, इंफिनिटी मतलब वेरी लार्ज, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है। अब सेकंड क्वाड्रेंट बात वही है, लेकिन ये निगेटिव होता है, तो हम लोग क्या दिखाते हैं, निगेटिव इंफिनिटी, मतलब 90 के पास में सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव इंफिनिटी। उसी तरह से अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में 270 के पहले मतलब 269 टाइप के एंगल पर क्या दिखाएंगे, प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी थर्ड क्वाड्रेंट में? इस जगह पर है ना, जैसे ये 90 से जस्ट पहले एंगल के लिए इंफिनिटी, 90 से जस्ट बाद के लिए है माइनस इंफिनिटी, तो 270 से जस्ट पहले के लिए क्या लिखना होगा, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी? पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव लिखूंगा मैं, और यहाँ पर निगेटिव लिखूंगा। बहुत अच्छा, है ना? अब आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता सकते हो, किस क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है, किस क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है? जीरो से इंफिनिटी, इंफिनिटी में, वेरी गुड। माइनस इंफिनिटी से जीरो, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। जीरो से लेकर इंफिनिटी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। नेगेटिव इंफिनिटी टू जीरो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो हम लोग लिखेंगे टेन थीटा है ना इंक्रीजेस इन ऑल क्वाड्रेंट, बट इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या, देखो तो अनडिफाइंड है ना, मैक्स टेन थीटा अनडिफाइंड है, मीन टेन थीटा ये भी अनडिफाइंड है, क्लियर? तो इतनी बात हम लोग समझ चुके हैं, मैक्स मीन ऑफ टेन थीटा सेक थीटा साइन थीटा, है ना। बाकी जितने भी थीटाज हैं वो रेसिप्रोकल है गिवन फंक्शन के, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड कर लेंगे, और जो रिजल्ट में लिखवाया गया है उसी को समझ ले। एक मैं कोसेक थीटा की बात कर दूंगा, है ना, एक मैं कोसेक थीटा की बात करता हूं, उससे सेक थीटा का भी आइडिया लग जाएगा। कोसेक थीटा, तो साइन थीटा के बारे में तो हमको पता है ना, साइन थीटा कहां से कहां है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 होगा। एक और बात है, कोसेक थीटा होता क्या है, 1/sin थीटा ना? यस सर, कोसेक थीटा इज 1/sin थीटा होती है। अब नंबर लाइन पर अगर इस नंबर को दिखाओ, -1 और 1 के बीच का, इसमें बीच में जीरो भी है,
अच्छा जीरो से लेफ्ट में किस टाइप के नंबर होते हैं? नेगेटिव नंबर होता है और जीरो के राइट में पॉजिटिव नंबर होता है। क्वेश्चन ये है, वन अपॉन नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव होगा और ये आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, वन अपॉन वन बड़ा है या फिर वन अपॉन जीरो पॉइंट फाइव बड़ा, विच वन इज ग्रेटर? वन बाय जीरो पॉइंट फाइव ये बड़ा होगा, मतलब डिनोमिनेटर जितना छोटा लेंगे उतना ज्यादा बड़ा कौन। तो अब ये देखो, आप यहाँ पर कोसेक थीटा जब साइन थीटा जीरो से वन के बीच में, जब मेरा साइन थीटा पॉजिटिव है तो अलग काम करे। देखूंगा मैं साइन थीटा जब आपका जीरो से लेकर के वन के बीच में है, तो यहां से कोसेक थीटा की वैल्यू हम लोग बता सकते हैं। मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा कोसेक का? जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा ना। कोसेक थीटा का मिनिमम वैल्यू तब मिलेगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? वन है, तो वन हम रख देंगे तो कोसेक थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या मिल गया? कोसेक थीटा का मिनिमम वैल्यू आपको मिल गया, कोसेक थीटा वन से बड़ा ही होगा। ये बात समझ में आ रही है? कोसेक थीटा वन से बड़ा होगा। कितने लोग नहीं समझ पाए? कोसेक थीटा वन से बड़ा होगा, कितने लोग समझ नहीं पाए? रेज योर हैंड। सारे बच्चे समझ गए? यस सर। वेरी गुड। और वन से बड़ा होगा, कितना बड़ा तक होगा, कहां तक जाएगा? वन अपॉन जीरो। वन अपॉन जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन जीरो से थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे तो ये वेरी वेरी लार्ज पॉजिटिव होगा, तो उस नंबर को नहीं दिखाएंगे। वन से लेकर के जहां तक जाता वो चलता जाए, है ना। तो वन से लेकर के आगे तक जा रहा है, इसका मतलब हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा कोसेक थीटा वन से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक, जब आपका साइन थीटा नेगेटिव होगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? जीरो, है ना, और मिनिमम वैल्यू माइनस वन। वैसे नेगेटिव नॉन नेगेटिव ये सब के टर्म में डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कोसेक थीटा को देखते हैं। माइनस वन रखोगे तो क्या मिलेगा? माइनस वन, है ना। कोसेक थीटा माइनस वन आ रहा, दूसरा वैल्यू क्या आ रहा? वन अपॉन जीरो इन नेगेटिव इन्फिनिटी। सो माइनस वन क्या हो गया? लार्जेस्ट वैल्यू हो गया इस। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोसेक थीटा बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू माइनस। इसीलिए कोसेक थीटा का रेंज क्या है? नेगेटिव इन्फिनिटी टू माइनस वन और पॉजिटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव वन टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्लियर है?
अब जैसे ही मिनिमम मैक्सिमम हम समझ हुए हो है ना, इसका यूज करना है आपको, इसका यूज करना है। देखिए कैसे यूज करेंगे है ना, अगर हमको y इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस 1 लिख देता है और बोलता है इसकी रेंज क्या है, फाइंड रेंज, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि साइन थीटा जो है माइनस 1 से 1 के बीच में, साइन थीटा आपका 1 से लेकर के माइनस 1 के बीच में, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पॉजिटिव नंबर है, सो इनइक्वालिटी रिमेंस सेम। तीनों साइड माइनस 1 करेंगे, रेंज क्या हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप रेंज को समझिए है ना, कि हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा। इसी तरह से कॉस थीटा में भी कर सकते हैं, सो एक दो आप लोग ट्राई करिए इसी तरह से क्रिएट करने का। ये सॉल्व करके बताओ क्या होगा, किसका आंसर, तीनों टाइम लीजिए है ना, टाइम दूंगा।
श्रावणी लास्ट टेप देखो, हमने तीनों साइड माइनस वन किया। देखो यहाँ पे माइनस वन करोगे तो माइनस टू माइनस वन होगा विच इज इक्वल टू माइनस थ्री, और यहाँ पे टू माइनस वन करोगे दिस वन इज इक्वल टू वन, है ना। इसीलिए माइनस थ्री से लेकर के क्या हो गया वन तक चला गया। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, ये देखो माइनस तीन से बड़ा है इसका, ये मतलब मिनिमम हो गया ना, और ये इससे वन से छोटा है इसका मतलब ये मैक्स हो गया। समझा? गुड। शिद्दजा का आंसर पहला बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल सही है, और तीसरा तीसरा गड़बड़ है। शांतनु का पहला दूसरा सही है, बाकी लोग भी आंसर सोचे हैं। ये स्टेप्स को फॉलो करने हैं, क्रिएट करना है। और सोचो शांत ना हो। फर्स्ट एंड सेकंड तो आसान है, बाकी बच्चे भी करो। आज नेटवर्क इशू भी बहुत ज्यादा है, बारिश यहाँ भी हो रही है। और सोचो क्षितिजा,
आइए देखिए, देखो माइनस टू साइन थीटा माइनस वन इसको क्रिएट करता है, सबसे पहले हम साइन थीटा दिया हुआ है ना, साइन थीटा हमको क्या लेकर के चलना है, वन से लेकर के माइनस वन तक, माइनस टू साइन थीटा, माइनस टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस टू इंटू माइनस वन टू, माइनस टू इंटू माइनस वन टू, इनइक्वालिटी रिवर्स होगा, निगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वजह से, ग्रेटर देन इक्वल टू वन इंटू माइनस टू माइनस टू, माइनस टू साइन थीटा आ गया, माइनस वन चाहिए हर जगह, माइनस वन करेंगे टू माइनस वन, माइनस वन, अब इसको सिंप्लीफाई आउट कर लो, ये कितने के बराबर, टू के बराबर है, टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू साइन थीटा माइनस वन, हम लोग लिखेंगे टू नहीं वन है ना, वन इज ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी, सो लिखेंगे वन, वन इज ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी, और माइनस थ्री इज लेस देन दिस क्वांटिटी, सो रेंज क्या हो गया, माइनस थ्री टू, समझ में आया। अगर मैं सेकंड की बात करता हूं है ना, सेकंड की मैं बात कर रहा करता हूं, कॉस थीटा क्लास कहां लाई करता है, वन से लेकर के माइनस वन, ऐसे टू मल्टीप्लाई कर देंगे, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है, प्लस थ्री कर दो क्या नाम बेटा, आस्था, वेरी गुड, देखो ये क्या हो गया वन हो गया है ना, ये है टू कॉस बीटा प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू फाइव, रेंज क्या लिखेंगे, वन टू फाइव, वन टू फाइव है ना, थर्ड वन थोड़ा डिफिकल्ट है ना, लेकिन थर्ड वन भी करेंगे हम लोग, डिफिकल्ट है उससे क्या फर्क पड़ता है, जब देखोगे तो वो बहुत आसान लगेगा, टू कॉस थीटा सेवन कॉस स्क्वायर थीटा, सेवन साइन स्क्वायर थीटा, ये पहला इनकाउंटर हम लोग का जहां पर कॉस थीटा और साइन थीटा साथ में आ रहा है ना, थोड़ा सा अगर हम लोग इसमें मैनिपुलेशन कर ले तो वी कैन ऑब्जर्व दैट सेवन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेवन साइन स्क्वायर थीटा से सेवन कॉमन किया जा सकता, तो ये हो जाएगा टू कॉस थीटा सेवन टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर,
अब ये बताओ cos square theta plus sin square theta क्या होता है? वन क्या बन गया? टू cos theta plus seven. और अब इसका रेंज बता ही सकते हो तुम लोग, फाइंड करो इसका रेंज. सर 5 to 9 फाइव टू नाइन वेरी गुड. इसका रेंज है 5 to 9. जब cos theta 1 होगा तो 2 into 1 plus 7, जब cos theta -1 होगा -2 plus 7, राइट? ऐसे भी सोच सकते हो cos theta जब 1 होगा 2 plus 7 9, और cos theta जब -1 होगा तो -2 into 1 -1. हाँ सर. अब देखिए ये चीज आप लोग समझ गए कि cos theta sin theta रहा तो क्या होगा. एक और मैं थोड़ा सा ट्विस्टेड सवाल दे रहा हूँ, इसको थोड़ा दिमाग लगाना. फाइव साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका मैक्सिमम मिनिमम बताना. सर ऐसा लिख सकते क्या? फाइव साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा. हाँ इनटू में नहीं, कॉस थीटा की रेंज भी वही है ना -1 और 1. माइनस वन से वन ही है. फाइव साइन थीटा इनटू सेम है. फाइव साइन थीटा इनटू साइन थीटा. और अगर नींबू रहा तो नींबू निकल जाए.
थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए, नींबू और नमक, चीनी नहीं। माइनस फाइव टू फाइव, फाइव टू, और कोशिश करो शांतनु। देखिए कैसे करना है इसको। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कहां पर आप लोग देखते हो, साइन टू थीटा के फॉर्मूला में देखते हो ना, इसको मैं लिख सकता हूं फाइव टू साइन थीटा और टू मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना होगा। साइन टू, ठीक है, अब हमको देखना कि साइन टू थीटा कहां से कहां लाई करता है। तो साइन टू थीटा की, टू थीटा की जगह पर एक्स रख दोगे तो क्या दिखाई पड़ेगा, साइन थीटा टाइप का ही दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा कैन बी रिप्लेस्ड साइन एक्स, है ना। तो साइन एक्स माइनस वन से वन, तो साइन टू थीटा भी आपका माइनस वन से वन, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, खैर एक लाइन और लिख लेते हैं। नाउ साइन टू थीटा लेस देन इक्वल टू वन, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू मल्टीप्लाई करो, माइनस फाइव बाई टू रेंज क्या हो जाएगा, माइनस फाइव बाई टू से लेके फाइव बाई टू। अब ये साइन टू थीटा ऐसे कैसे हम लोग समझ लिए कि यही चीज होगा, आप देखो थीटा की जगह 45 रख करके देखो, ये साइन 90 बन रहा है, साइन 91 होता है, माइनस 45 रखोगे तो ये माइनस साइन 90 बनेगा, है ना, तो वो माइनस वन। अल्टीमेटली हम लोग थीटा रख करके सोचते हैं लेकिन ये सब थोड़ा सा शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 sin theta into cos theta का रेंज होगा, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूं टू कॉस स्क्वायर थीटा थ्री साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बताइए इसका रेंज क्या होगा। अच्छा इसमें और कुछ ऐड करना होगा हमको, माइनस सिक्स साइन स्क्वायर थीटा,
देखो तो क्या रेंज होगा इसका, बहुत अच्छा श्रीजा संतनु, बहुत अच्छा। अंकित स्लाइटली थोड़ा और काम करना होगा तुमको। सिंप्लीफाई करो सब लोग और देखो क्या कोई फॉर्मूला पर जा रहा है।
देखिए क्या होगा, ये टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो टोटल मिला करके हो गया थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, और ये थ्री साइन स्क्वायर थीटा और माइनस सिक्स साइन स्क्वायर थीटा, टोटल मिला के हो गया माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा, और थ्री कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये एक फॉर्मूला पर है ना, कॉस टू थीटा, और कॉस टू थीटा के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो माइनस वन से वन होता है, इसलिए इस बार मैं रेंज शॉर्टकट में लिख रहा हूं, है ना, डायरेक्टली मैं इनइक्वालिटी नहीं दिखा रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं रेंज विल बी इक्वल टू माइनस थ्री से लेकर के। मैं आप लोग को होम असाइनमेंट दे देता हूं खुद से, क्योंकि मॉड्यूल में अभी इस बेसिक स्ट्रक्चर का सवाल ज्यादा नहीं है, होम असाइनमेंट। पहला वन माइनस टू साइन थीटा है ना, बस इतना ही है। ये फॉर्मूला का आप लोग यूज कर लोगे तो आपको स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
है ना, एज इट इज काम कर सकते हो, केवल डिराइव करना होगा ना इनके वैल्यू की मदद से। या होम असाइनमेंट है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, तब जाकर के अगले क्लास में हम लोग मॉड्यूल को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि मॉड्यूल में थोड़ा डिफिकल्ट सवाल दिया है। Have a nice day. Thank you, sir. इजी लगेगा, कल भी इजी लगेगा अंकित, ठीक है, कल भी इजी लगेगा, इतना करके आना सर। हाँ बोलो सर, ये एग्जांपल है ना आपने अभी दिया था, तो सर उसमें हम वो टू और थ्री अलग निकाल के उन और इधर ये सिक्स अलग निकाल के वो कर सकते थे क्या, मतलब ऐसा हो सकता? वैसे नहीं, अलग अलग करके नहीं, ठीक है, सबको पहले सिंपलीफाई कर लो और एक सिंपल स्ट्रक्चर में लाना है और करना है। जैसे ये भी न्यूमेरिकल जो था है ना, ये जो ऊपर वाला न्यूमेरिकल मैंने दिया था, ये देखो न्यूमेरिकल, जैसे 5 sin थीटा cos थीटा, थोड़ा सा इसमें मैं बता देता हूं कि दिक्कत क्या होता है, वैसे सोचने पर देखो क्या होता है दिक्कत। जैसे आपने सोचा कि sin थीटा को मैक्सिमम कर दिए, 1 ले लिया ना, sin थीटा को जब आप 1 ले रहे हैं, cos थीटा को जब आप 1 ले रहे हैं, बताओ थीटा का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 डिग्री। तो एक साथ थीटा का वैल्यू या तो हम 0 रख सकते हैं या फिर 90 रख सकते हैं, दोनों तो नहीं रख सकते ना, एक जगह पर 90 और एक जगह पर 0, ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम लोग। तो इस वजह से क्या होता है कि क्लब कर देने से ये सब जो झोल है वो खत्म हो जाता है, क्लब करने से हमको अब सिर्फ और सिर्फ 2 थीटा के वैल्यू को देखना है कि 2 थीटा कब 90 है और कब -90 है। पहले हमको क्या देखना था, थीटा के रिस्पेक्ट में, तब हमको थीटा सोचना पड़ेगा है ना, ना 90 ले सकते हैं, 90 लेंगे तो ये कितना बन रहा है, 0, 0 लेंगे तो भी 0 बन रहा है, जबकि आंसर है -5/2 से 5/2। तो इस तरह से थीटा का वैल्यू एक साथ जो है मैनिपुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है अलग अलग पार्ट को। जैसे इसमें आप बोलोगे कि इसका अलग से फाइंड कर ले और इसका अलग से फाइंड कर ले, हो सकता है कि जब ये मैक्सिमम रहे तब ये मिनिमम रहे, हो सकता है ना, या कुछ अदर बने, जब ये मिनिमम रहे तब हो सकता है कि ये मैक्सिमम बन रहा हो, तो रिजल्ट गड़बड़ आ जाएगा ना। हमको क्या चाहिए, दोनों मैक्सिमम चाहिए साथ में और दोनों मिनिमम भी साथ में चाहिए, तो वो चीज यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग नहीं बता सकते किस थीटा पर हो रहा है, इसी वजह से हम लोग अलग अलग नहीं करेंगे, एक साथ करेंगे। समझ गए श्राम ने? Yes, sir. So, सारे एक्सप्रेशन को एक साथ क्लब करके करने की कोशिश करें तो रिजल्ट भी बढ़िया होगा। और ये आपका रेंज, मतलब रेंज का क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हो है ना, तुम लोग को मैंने बेसिक मैथमेटिक्स के नाम पर कुछ बताया नहीं था ना, आज ये फर्स्ट टाइम हम लोग रेंज देख रहे हैं, और ये जो हमने आपको असाइनमेंट दिया है ये बेसिक मैथमेटिक्स का ही असाइनमेंट है, ठीक है, जो ट्रिगोनोमेट्री से इंस्पायर्ड है। आप लोग ट्राई करिए, अगले क्लास में इसको भी डिस्कस करेंगे, और जो बच्चे सारे कर लोगे वो स्नैपशॉट में भेज सकते हो है ना, उसको मैं चेक कर। बाय बाय।